हो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन। तो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और मेरा बेटा भी स्कूल जाने लग गया है, तो आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, कोई कोई फरारी भी बोलता है, और इसको आप व्रत में भी खा सकते हो। तो मैं इसको वॉश कर लूंगी और वॉश करने के बाद जो इसका वाइट वाइट सा एक डिस्चार्ज इसका निकलता है, जो भी इसके अंदर लगा होता है, तो वो निकल जाएगा। तो अच्छे से इसको मसल के हम धो लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कुछ होगा इसके अंदर वो अच्छे से निकल जाएगा। जब इसको अच्छे से हम 3-4 बार साफ कर लेंगे, तो साफ करने के बाद जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी, हम थोड़ा मतलब कि साबूदाने से हल्का सा ऊपर आना चाहिए पानी, तो हम इसको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। और मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो मैंने इसको रात को भिगाया था और सुबह देखिए मैं इसको बनाती हूँ, तो देखिए कितने अच्छे से ये फूल के, कितने अच्छा मोटा हो गया इसका दाना भी, और अच्छे से ये फूल चुका है। तो जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाने के लिए जो है बहुत अच्छी ये रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी होती है, बच्चों की ब्रेन के लिए भी, बच्चों का दिमाग भी इससे बहुत जल्दी अच्छा बढ़ता है। तो देखिए मैंने जो है थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया था सरसों का, जो भी आप खाना चाहो तेल वो आप डाल सकते हो। अब मैंने इसके अंदर डाली हरी मिर्ची और जीरा, थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे। इसको सौते करने के बाद थोड़े से मैंने जो है मूंगफली के दाने डाल दिए हैं इसके अंदर, थोड़ी सी मैंने मूंगफली डाली है, और इसको हल्का सा हम सौते करेंगे ताकि मूंगफली थोड़ी सी क्रंची हो जाए। जैसे मूंगफली थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी, मैंने इसके अंदर पोटैटो डाल दिए हैं विदाउट उबले हुए, मैंने बॉईल नहीं किए थे उसको, ऐसे ही डाल दिए, थोड़े से स्टीम में इसको पका लेंगे। तो सारी चीज़ों को हम सौते कर देंगे अच्छे से। आपको पता है आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ होता है, तो आलू बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं गैस को मंदी कर दूंगी, वहाँ पे चाय बन रही है मेरी एक जगह पे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी काली मिर्च, काली मिर्च डाल के जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, और आप व्रत में भी जो है इजीली काली मिर्च खा सकते हो। और व्रत में आपको पता ही होगा लाल मिर्च वगैरह नहीं ही खाते हैं, तो काली मिर्च डाल भी सकते हो आप। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो आप सेंधा नमक यूज करना, और अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हो डेली रूटीन में तो आप नॉर्मल नमक भी जो आप खाते हो वो डाल सकते हो। तो देखिए ये थोड़ा सौते हो गया है हमारा आलू, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपने ये साबूदाने जो इतने अच्छे हैं। देखिए कितने मोटे मोटे साबूदाने दिख रहे हैं, कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। अगर आप ओवरनाइट भी भिगोना नहीं चाहते इसको, तो 2-3 घंटे के लिए तो इसको आपको भिगोना ही पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डाल दूंगी थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी, क्योंकि हल्दी मैं अपने बच्चे के हर एक डाइट में जो है, हर एक खाने में जो है इंक्लूड करती हूँ हल्दी, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, और हल्दी से जो है हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है, और हल्दी जो है इम्यूनिटी बूस्ट भी करती है। तो थोड़ा सा कलर डालने के लिए मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी, और यहाँ पे देखिए चाय कितनी अच्छे से उबल रही है। तो आज का नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए इसको मैं ढक देती हूँ, 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल मोती की तरह जो है दाने लग रहे हैं, कितने अच्छे फूल के रेडी हो चुके हैं। और मैंने इसके अंदर डाल दिया है हरा धनिया, आपको दिखने में ही लग रहा होगा कितना अच्छा इसका फ्लेवर आया है, कितना अच्छा ये लग रहा है खाने में, और बच्चे भी इसको बहुत खुश होते हैं टिफिन में देख करके। तो देखिए फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है, तो आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और घर में भी खिला सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बटन को कर देना सब्सक्राइब।